हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है आपका हेलिक्स में, हेलिक्स परिवार में। तो आज आपका बहुत दिनों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि आज की जो अपनी क्लास है वो एक डिलीशियस क्लास रहने वाली है। जैसे खाना अपना, कभी कभी अपन कहते हैं जो बहुत स्वादिष्ट अपना खाना बनता है, तो अपन क्या बोलते हैं यार, खाना बहुत डिलीशियस था। तो ऐसे ही आज का जो सेशन रहने वाला है वो बहुत ही अपना अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कई बच्चों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि सर, अब की बार आपने एंट्रेंस का बैच इतना लेट क्यों कर दिया। तो बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कई परेशानियां, कई टाइम मैनेजमेंट भी रखना पड़ता है, कई फैकल्टी भी, अपन को बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन तंदुरुस्त हुआ है। कैसे? अच्छा स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन। और अपना जो बैच है, शुभारंभ बैच, क्या अपन ने शुभारंभ बैच की स्टार्ट कर दिया। किसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे ये वेट कर रहे थे, तो आपका वेट अब ओवर हो चुका है कि सर आप एंट्रेंस, कई बच्चों के फोन कॉल्स भी आए थे कि सर आप एंट्रेंस का बैच फटाफट स्टार्ट कर दो, एग्जाम बहुत निकट है। तो हमेशा ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है, जब अपन तैयारी स्टार्ट करें तो कोशिश करने में कभी भी अपन को हिचकिचाना नहीं है। ये नहीं कि अपन ने अगली एग्जाम के लिए अपन ये सोचें कि अगर पिछली एग्जाम में अगर अपन अच्छी तैयारी कर लेते तो शायद अपना सिलेक्शन हो जाता। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कोशिश करने वाले कभी कोई छोड़ते नहीं है। एक कहावत भी तो है ना वो, कि बैठे रहने वालों को केवल उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो अब इसका अपन को रिजल्ट क्या है कि कोशिश जो करेगा वो कभी छोड़ेगा क्या? कुछ कुछ नहीं छोड़ेगा। तो बैठे रहने वालों को क्या मिलेगा? तो बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अपन को हमेशा। तो अगर आप एक बार थोड़ी सी, मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, कई बच्चों को ये जानकारी नहीं रहती कि आप किस किस के लिए क्लास स्टार्ट करने वाले हो, कैसे स्टार्ट करने वाले हो। तो इसके रिगार्डिंग अपना एक नया अपना जो वीडियो है वो आ भी जाएगी, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देने वाला हूं। तो अपनी जो क्लास है वो हर एक, आप कोई भी एंट्रेंस में, चाहे आप राजस्थान जो RUHS अपनी यूनिवर्सिटी है, चाहे अपनी RP सॉरी एम्स है, पैरामेडिकल एम्स है, पैरामेडिकल की कहीं भी आल राजस्थान में, ठीक है, और MP, UP, बिहार, अपना जो हरियाणा है, कहीं से भी अगर अपन BSc नर्सिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम लगती है। क्या लगती है? प्रवेश परीक्षा, जो कि आप सब जानते हो। वही एग्जाम की तैयारी के लिए अपन ने शुभारंभ बैच स्टार्ट किया है। क्या किया है? शुभारंभ बैच। और अगर आप चाहते हो एम्स में सिलेक्शन लेने के लिए, क्या एम्स जो कि अपने सेंटर का, देश का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है, केंद्र में आता है वो सेंटर में, एम्स में, उसमें भी सिलेक्शन लेने के लिए अपन को ये एंट्रेंस बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ये आई के नहीं आई समझ में? अपन दोनों लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज, क्या बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज में अपन सिलेबस करने वाले हैं। तो ये फिक्र नहीं करनी है कि सर हिंदी में इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये अपनी गारंटी है। बस आपको 100% देना है, और जिसने ज्वाइन किया है बैच उसका हम दावे के साथ कहते हैं कि उसका सिलेक्शन श्योर। हाँ, हम 100% गारंटी नहीं देती, क्या पता बच्चा ही नहीं पढ़ा, लेकिन हम ये 100% गारंटी देते हैं कि अगर बच्चे ने हमारे साथ, कभी कहते हैं ना अपन कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्या कहा मैंने, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो जब हमारा अगर हाथ खड़ा रहेगा तो अगर आप भी साथ मिलाओगे तो हमेशा ताली बजेगी कि नहीं बजेगी, तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, इसी के साथ अपन ने जो आज का एक टॉपिक लिया है, जो कि केमिस्ट्री में तो अपना इंपॉर्टेंट है ही, क्या केमिस्ट्री में तो अपना इंपॉर्टेंट है ही, उसी के साथ अपना फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताना चाहता हूं, अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी है, क्या अगर किसी भी बच्चे को कोई एडमिशन से रिलेटेड या फिर कोई रिगार्डिंग है, जानकारी लेनी है कि सर कब फॉर्म आएंगे, कब अपने क्या एग्जाम फीस रहेगी, अगर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो कैसा क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए कोई भी नीचे जो पट्टी आ रही होगी एक येलो कलर की, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके तुम किसी भी तरह की जानकारी देते रहेंगे। और हर बार अपन टाइम टू टाइम वीडियो बना के भी तुमको भेजते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लो, कि सभी वीडियोस आपके पास, जो भी हम यहाँ से डालें तो तुरंत आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपनी जो भी अपन को जानकारी है वो जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ अपन को ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको, और भी अपने पास कई बड़ा सिलेबस, बहुत कम टाइम बाकी रहा, क्या कहा मैंने, अपने पास बहुत कम समय बचा है। अब जो बच्चे सोचते हैं कि आज नहीं कल, तो हमेशा ये याद नहीं रखना, तो आज नहीं तो कभी नहीं। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट से बैच स्टार्ट कर लो और फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो। तो हमेशा अपन को जो चीजें ना वो
सोच समझ के करनी है। क्यों करनी है सोच समझ के? क्योंकि अपन किसी अगर लाइन में घुसे हैं तो पहले ही अपन को सोचनी कि इसकी स्ट्रेटजी क्या रखने वाली। अगर इसके बाद तुम ज्वाइन करोगे बैच तो कहीं ना कहीं अपन को एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से जो भी बच्चे अभी लाइव में जुड़े हुए वो फटाफट से पहले तो सेशन को शेयर करेंगे, फिर अपन एक अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है अपना एटम। क्या? जिसका नाम क्या है? एटम। एटम क्या? स्टोम। अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी ये क्लास ली है लेकिन ये जो क्लास है ये रियली मजेदार होगी, आगे देखते चलिए। फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है? हाँ, फटाफट से कमेंट करेंगे अगर आवाज क्लियरली है, वॉइस इश्यू नहीं है। अगर है तो फटाफट से मुझे कमेंट करेंगे, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और भी अगर आपको मैं बता दूंगा कोई भी क्वेरी होगी तो अपन को कॉन्टेक्ट नंबर नीचे जो दिए हुए हैं अपने सेशन, वो फटाफट से अपन को क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना अगर कोई भी क्वेरी है तो। ठीक, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? क्या है आज का अपना टॉपिक? है एटम। एटम क्या होता है? सबसे पहले अपन ये देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। एटम तुमने सभी में लगभग लगभग पढ़ रखा है सभी ने। एटम होता है अपना जो परमाणु। क्या होता है एटम? परमाणु होता है। और परमाणु क्या होता है? किसी भी बॉडी की, किसी भी सब्सटेंस की, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, क्या किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे कि अपना मार्कर, क्या है ये मार्कर है। और ये जो मार्कर है, क्या का ये सभी ऑफलाइन वाले बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ कैमरे में ही देखा, हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मार्कर है ये किससे मिलकर बना हुआ है? मेटल से। ठीक, मेटल से तो मिलकर बना हुआ है, ये तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर अपन इसको तोड़े, क्या कहा मैंने, अगर अपन इसको तोड़े तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड, यानी कि यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यौगिक। अगर उसको और छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ू तो उसको अपन बोलेंगे मॉलिक्यूल, और सूक्ष्म हो जाएगा। फिर अपन इसको और आगे तोड़े तो एक ऐसी स्ट्रक्चर निकल के आए पास आएगी जिसको कि अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जिसको कि अपन आगे डिवाइड इसको नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर अपन आगे अगर डिवाइड नहीं कर सकते और वो जो स्ट्रक्चर है लास्ट स्ट्रक्चर, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एटम बोलते। क्या बोलते हैं उसी को अपन? एटम बोलते हैं। प्यार या कि नहीं आया समझ में? तो एटम कैसे बना? सबसे पहले अपना क्या था? कोई भी मटेरियल था, कोई भी सबस्टेंस था। क्या था? कोई भी सबस्टेंस था। सबस्टेंस था कि नहीं? सबस्टेंस अपन ने कोई भी पदार्थ है, मटेरियल है। अब सर सबस्टेंस क्या होगा? कोई भी ऐसा मटेरियल पदार्थ जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि कुछ ना कुछ मास हो, यानी कि कुछ ना कुछ वजन हो, और वो कुछ जगह घेरता हो, वो अपना मटेरियल होगा। वो ही अपना क्या होगा? सबस्टेंस। जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को अपन तोलेंगे तो अपन को वजन फील होगा, तो यानी कि मास रख रहा है अपने आप में, वेट है। दूसरा, जगह घेरता है। इसको अगर कहीं भी रखेंगे तो एक प्रॉपर जगह लेगा अपनी, ये ठीक है, जगह लेगा। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि अपना मास हो, जिसका कोई वेट हो और वो एक प्रॉपर जगह घेरता हो, उसके लिए जगह की जरूरत है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कोई भी मटेरियल पदार्थ बोलेंगे। और उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या होगा? अपना एटम होगा। अब अपन ने क्या लिया? कोई भी सब्सटेंस है, उसको जब अपन तोड़ेंगे तो वो किसमें टूटेगा? मैं वापस चल रहा हूं, कंपाउंड में टूटेगा। किसमें टूटेगा? कंपाउंड, यानी कि यौगिक, ठीक है? अब कंपाउंड को हिंदी बोलेंगे बच्चे यौगिक, अगर हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती, ठीक है? फिर कंपाउंड्स को अपन में क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। किसमें टूटेगा? अपना मॉलिक्यूल। किसमें? मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स को अपन ने एटम बनेगा। यही के बाद नहीं, यही समझ में बताओ। ये मैंने एक तुमको एक अपना रास्ता बता दिया, ऐसे ऐसे क्या होता है, यौगिक होता है कोई भी यौगिक मॉलिक्यूल, फिर एटम से मर टूटेगा, ठीक है? अब अपन चलेंगे कि जो अपना एटम है, क्या है जो एटम है, उसके बारे में सबसे पहले बताया किसने? क्या एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो एटम के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद नाम के एक ऋषि महात्मा हुआ करते। पहले क्या हुआ करते? पहले अपने डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, पहले क्या हुआ करते थे? जंगलों में रहने वाले ऋषि महात्मा हुआ करते थे। वो क्या करते थे? जड़ी बूटियों की खोज करते थे और उन्हीं से क्या करते थे? ट्रीटमेंट, जैसे कि महर्षि चरक थे, धन्वंतरी जो कि सबसे बड़े अपने आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो अपन पहले क्या करते थे? जड़ी, पहले अपनी मेडिसिन नहीं आती थी कि भाई पैरासीटामोली, जो पैरासीटामोल टैबलेट ली और बुखार गायब,
ऐसा नहीं है, पहले अपन जड़ी बूटियों से क्या किया करते थे, आराम मिला करता था, जड़ी बूटियां ही अपना एक ट्रीटमेंट का सोर्स हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल अपनी टेबलेट्स आ गई हैं, आजकल जमाना अंग्रेजी का आ गया, तो इसलिए अपन को टेबलेट्स देती हूँ। लेकिन अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे थे अपन, एटम। अब अपन एटम सबसे पहले किसने बताया, तो मैं अभी बता रहा था कि एटम के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। किसने बताया था बच्चों, महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। अब महर्षि कणाद ने एटम के बारे में बता दिया, लेकिन पहले कोई पेटेंट तो कराते नहीं थे कि भाई मैंने बुक लिख दी, बुक छाप के अपन आगे भी ये सारी चीजें ध्यान रखेगा कोई, तो महर्षि कणाद ने तो नॉर्मली बता दिया था कि कोई एटम होता है और वो सबसे कोई भी पदार्थ होता है उसकी सूक्ष्म इकाई आती है। लेकिन इसके बाद अपना क्या आता है, इसके बाद अपने सर डॉल्टन आते हैं। क्या सर डॉल्टन, जिनका पूरा नाम होता है बच्चा जॉन डॉल्टन, क्या होता है जॉन, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम होता है, क्या एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी पदार्थ, क्या होती है स्मॉलेस्ट। ठीक है बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में, अभी ऑफलाइन वालों आपके अच्छे से आ रहा समझ में। तो एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सूक्ष्मतम इकाई होती है। और क्या बताया कि सूक्ष्मतम इकाई तो होती है, इसके साथ साथ ये अन या क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल होता है, क्या होता है इंडिविजुअल, यानी कि ये क्या होता है आगे इसको अपन नहीं तोड़ सकते, क्या नहीं कर सकते इसको अपन आगे नहीं तोड़ सकते। आगे क्यों नहीं तोड़ सकते अपन इसको, क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं मैं ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एटम की या किसी भी परमाणु की, क्या है सबसे स्मॉलेस्ट अपनी यूनिट है। ठीक है, ये आई के नहीं आई, हम 1 मिनट बच्चा रुकेंगे है ना थोड़ा सा। मैं बता रहा था कि जो एटम होता है वो क्या होता है इंडिविजिबल होता है, यानी कि इसको अपन आगे भी अनडिवाइडेड भी बोल सकते हैं, यानी कि आगे आगे भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि कांट डिवाइडेड फर्दर, ये अपन को ध्यान रखने वाली बात, ये आई कि नहीं आई समझ में। अब अपन देखेंगे थोड़ा सा, मैं बता दूं तुमको कि अपन और क्या क्या पढ़ने वाले हैं एटम में। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ा था, डाल्टन का मॉडल पढ़ा था अपन, क्या पढ़ रहे थे अपन डाल्टन मॉडल पढ़ रहे थे सबसे पहले, क्या पढ़ रहे थे अपन डाल्टन साहब का मॉडल पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। अब जो डाल्टन साहब का मॉडल था उन्होंने क्या कहा कि जो अपना एटम होता है वो क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अपनी एटम, होती है कि नहीं होती। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट, थोड़ा सा इसके बारे में अब अपन ब्रीफ समरी समझेंगे कि जो अपना एटम है वो अपन एटम के टॉपिक में और क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना सभी बच्चे। सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया था, डाल्टन साहब का मॉडल देख लिया था। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, थोड़ी सी डिस्कवरी देखेंगे कि जो अपना एटम होता है, क्या जो अपना एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनकी डिस्कवरी देख। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर अपन आगे इनके मॉडल पढ़ेंगे कि थॉमसन सर आए, कौन आए सर थॉमसन आए, उनके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कि थॉमसन सर के बाद कौन आए बताओ, सबने पढ़ रखे हैं रदरफोर्ड साहब आए, आए कि नहीं आए। ठीक है, रदरफोर्ड, उनके बाद अपन नील्स बोर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कई बच्चे इसको हिंदी में बता दूं मैं, ये होता है अपना सभी बच्चों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 12th में या 11th में आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वही है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास अपना होता है वही है। आगे पढ़ेंगे अपन अवाहक नियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन, और इनके अंदर भी जो अपने सब टॉपिक्स हैं वो भी अपन आगे में बताता दूंगा। जब अपन ये आज का जो क्लास है अपनी, ये एक बेस है, ये तुम्हारे समझ में, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि पूरे एटम का एक बेस समझा रहा हूँ, जिससे कि जब अपन आगे अंदर की चीजें पढ़ेंगे, अंदर से न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, तो अपन को क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अपन पढ़ने वाले। तो डॉल्टन ने क्या कहा कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इंडिविजिबल होती है, आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकती और दिखती भी नहीं है। अब अपन क्या देखते हैं कि जो अपना एटम है, क्या अब जो अपना एटम है उसमें क्या होता है, मैंने क्या कहा कि अपन सबसे पहले बेस देखेंगे, यानी कि पूरा एटम देखेंगे अपन, फिर अपन एटम के अंदर जाएंगे। तो एक बार तुमको मैं एटम बता देता हूं, एटम कैसा होता है।
ठीक है। देखो फटाफट अपन एटम देखेंगे अभी। तो अपना जो एटम है, क्या जो अपना एटम है वो मैं तुमको थोड़ा था, ये अपना एटम क्या होता है, अपना ये अपना एटम है, देख लो प्यार से देखो, ये क्या अपना एटम है बच्चों। अब अपन क्या देखते हैं, जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक छोटी सी ब्रीफ समरी में बताऊंगा तुमको। तो सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले अपन डायरेक्ट एटम पे क्यों पहुंच गए, अपन धीरे धीरे चलेंगे। तो अपन सारी खोज देखेंगे कि एटम में सब न्यूट्रिएंट्स की खोज, सब पार्टिकल्स की खोज कैसे हुई थी। लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे जो अपना एटम, क्या जो अपना एटम है वो दो चीजों से मिलकर बना है। अगर अपन डायरेक्टली अपन देखें तो जो एटम है, एटम में दो चीज कौन सी देखी बताई मैंने, एक तो अपना क्या होता है न्यूक्लियस होता है, और दूसरा क्या होता है अपना सेल होती है। क्या होती है, न्यूक्लियस और सेल होती है। अब जो न्यूक्लियस है, क्या ये न्यूक्लियस है, क्या है ये अपना न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में तो क्या होते हैं अपने, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चा, न्यूट्रॉन, और आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, जो अपना सेल है, क्या जो अपना सेल है इसमें क्या होता है अपने, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्या लगाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं, जिसके अगर बच्चे के समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, ये नाभिक है, और इनको अपन बोलते हैं कक्षक, क्या बोलते हैं कक्षक, ठीक है। ये अपना थोड़ा सा मैंने बताया न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो तुमको ये कलर दिख रहा है ये है अपने प्रोटॉन, और इसी के साथ न्यूक्लियस में ही अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनको मिला के अपन न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स भी इनको अपन बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है अपना, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या चक्कर लगाते हैं, किनमें, वृत्ताकार सर्कुलर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, किसमें, वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये थोड़ी सी मैंने ब्रीफ समरी तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताई। अब अपन देखते हैं कि जो अपना अंदर इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्या जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसा क्या है कि ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये अपन से दूर क्यों नहीं जाते, क्या ये दूर भी तो जा सकते हैं, ये ऐसा क्या है इसके चक्कर लगाते हैं। तो इनके बीच बच्चा एक फोर्स काम करता है, क्या करता है, तो इनके बीच क्या करता है एक फोर्स काम करता है बच्चा। जैसे कि अपन को, मैं थोड़ा सा तुमको यहां बना के बता, तो ये अपना है, माना क्या है न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या है सेल है, क्या है इसके चारों तरफ कक्षक होते हैं कि नहीं होते, अभी मैं बता रहा था आपको सबको, ये माना क्या है अपना कक्षक है, ठीक है। इनमें क्या करते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, मैंने अभी बताया था रिवॉल्विंग, ठीक है। अब क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस थे, ये क्या था अपना न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से क्या होते हैं ये अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए होते हैं। कौन से फोर्स से बंधे हुए होते हैं, अट्रैक्शन, तो क्या बोलते हैं अपन आकर्षण बल, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस जो अपना एटम होता है उसमें दो बल होते हैं। अब ये तो सर हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन अपना ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से क्यों नहीं भागते, तो ये दोनों आपस में न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए होते हैं, किससे बंधे होते हैं ये दोनों आपस में, न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं बच्चे, न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय ये जो नाभिकीय बल होता है ये दुनिया का सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है बच्चे, क्या होता है स्ट्रोंगेस्ट फोर्स होता है। जैसे कि जब श्री रामचंद्र जी वो हिरण की तलाश में गए, तो पीछे से लक्ष्मण जी सीता माता के चारों तरफ क्या कर गए, लक्ष्मण रेखा खोल गए, बना के गए, तो यानी कि उससे ना तो कोई बाहर जा सकता ना कोई अंदर आ सकता उसमें। तो इसलिए ऐसे ही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके चारों तरफ लक्ष्मण रेखा होती है, यानी कि एक तरह से न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सबसे क्या है प्रबलतम बल है, क्या है सबसे प्रबलतम बल है। तो बच्चा न्यूमेरिकली भी क्वेश्चन भी तुमका एमसीक्यूज का बनेगा,
अपन को क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से या फिर इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, ठीक है? तो अपन को ऑप्शन चार दे देगा, आकर्षण बल, कूलम फोर्स, अपना न्यूक्लियर फोर्स। तो उनमें से क्या करना है, अपन को न्यूक्लियर फोर्स पे बच्चा टिक करना है, ठीक है? न्यूक्लियर फोर्स पे क्यों टिक करना है, क्योंकि जो अपना न्यूक्लियर फोर्स वो सबसे प्रबलतम फोर्स है। जैसे कि तुमको अब मैं एक एग्जांपल देकर बताऊं कि आजकल जो अपनी कंट्री है, जो वर्ल्ड है, उसमें सारी कंट्री हैं, लेकिन अपन सबसे पावरफुल अमेरिका को बताते, किसको बताते बच्चा, अमेरिका को अपन सबसे पावरफुल कंट्री बताते कि नहीं बताते? हालांकि मैं समझ रहा हूं कि अमेरिका के पास उनकी जो इकोनॉमी है, क्या अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अच्छी है क्या, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास न्यूक्लियर पावर भी है, क्या है? उसके पास सबसे ज्यादा बड़ी प्रबलतम न्यूक्लियर पावर है। तो न्यूक्लियर पावर किससे आई, न्यूक्लियर फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स क्या था अपना, प्रबलतम है। तो वहां अमेरिका प्रबलतम और यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स अपना प्रबलतम है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए रहते हैं, और जो अपना इलेक्ट्रॉन और वो है, वो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिससे कि अपन को कोई आगे दिक्कत नहीं आती। दोनों के दोनों एटम क्या रहता है, जिससे कि स्टेबल रहता है एटम, क्या रहता है, स्टेबल एटम क्या रहेगा, इससे स्टेबल रहेगा बस, ठीक है? अब अपन एक एक चीजें देखेंगे। अपन देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो अपने कैथोड रेज से हुई थी, क्या हुई थी, कैथोड रे से हुई थी, यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन सर ने, उससे हुई थी। लेकिन अपन एक नॉर्मल, अपन छोटा सा बायोडाटा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा बायोडाटा प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, और छोटा सा बायोडाटा न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन आगे नेक्स्ट क्लास में अपन डीपली इनमें जाएंगे कि कैसे खोज हुई थी, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन, क्या देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन देखने, क्या देखने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन, ठीक है? देखो बच्चे, अभी मैं तुमको बताऊंगा कि प्रोटॉन की जो खोज हुई थी किसने की थी और कब की थी, ठीक है? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने, सही कह रहा हूं मैं, किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ठीक है? लेकिन जो रदरफोर्ड है उसने कब की थी, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो प्रोटॉन होता है उस पर अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, जो प्रोटॉन अपना होता है उस पर क्या होता है, अपना पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो प्लस के साथ रहता है, ठीक है? यह आया कि नहीं आया समझ में, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनात्मक आवेश है, क्या है, धनावेश है, क्या है, धनात्मक आवेश है, हिंदी में अगर मैं तुमको बोलूं तो। अब जो ये डिस्कवरी हुई थी इसके साथ साथ अपन को पता चला कि जो अपना प्रोटॉन है इसमें वेट क्या होता है, इसका चार्ज क्या होता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो बच्चा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, क्या होता है, क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन ये पॉजिटिव होगा, अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो उसमें देखेंगे कि यही होगा, सेम यही होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। तो जो चार्ज होता है अपना प्रोटॉन का वो किसमें होता है, किसमें होता है चार्ज, पॉजिटिव में होता है। अब अपन मास की बात करते हैं, प्रोटॉन के मास की, किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन के मास की अब अपन बात करें। तो जो प्रोटॉन का मास जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻²⁷ kg, क्या होता है, 1.6 × 10⁻²⁷ kg। अगर अपन इसको ग्राम में देखें तो ग्राम में कितना होता है, 1.66 × 10⁻²। अब तुमको ये भी ऑप्शन दे देगा और ये भी ऑप्शन दे देगा, या फिर इसमें से एक ऑप्शन दे दिया ग्राम में, किसमें दे दिया, ग्राम में ऑप्शन दे दिया, तो अपना ग्राम में क्या होगा, ये होगा, और अगर किलोग्राम में दे दिया तो क्या होगा ऑप्शन, किलोग्राम में ये ऊपर वाला होगा, वो नहीं होगा। अब अपन देखते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, उसके हिसाब से अपना परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है, किसी भी एटम, किसका, किसी भी एटम का जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन के हिसाब से, यानी कि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उस एटम का क्या होता है, उस एलिमेंट का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो एक नेक्स्ट अपन देखते हैं जो प्रोटॉन है अपना, क्या है, प्रोटॉन है, उसका एक एटॉमिक नंबर होता है और एक ही क्या होता है, एटॉमिक
मास होता है, ऐसे अपन डिनोट करते हैं। ये अपन देखेंगे आगे जब अपन चलेंगे मोजले की आवर्तसारणी, मोजले ने खोज की थी किसकी, एटम में मास नंबर के बारे में, और उसने ऐसे शो किया था जो कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर की साइड क्या शो करते हैं अपन, उसके ऊपर की साइड अपन शो करते हैं अपना मास, क्या मास, और नीचे की साइड क्या अपना नंबर, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि जो अपना प्रोटोन होता है क्या होता है, जो अपना प्रोटोन होता है उस प्रोटोन का एक एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, एक एटॉमिक, यानी कि अगर कोई भी अपना एलिमेंट, कोई भी अपना जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अपन प्रोटोन को शो कर सकते, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का परमाणु क्रमांक, किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक क्या होगा बच्चा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा, और मास कितना होगा, एक मास होगा इसका, नंबर ऑफ मास, ये मास इसका। यानी कि अगर अपन हाइड्रोजन परमाणु के बारे में देखें तो उसका क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है और एक ही एटॉमिक मास होता है। अगर जैसे कि किसी एटम में अपने क्या है, दो प्रोटॉन है, क्या है, दो प्रोटॉन है, क्या है, दो प्रोटॉन है, तो यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, दो होगा। लेकिन जब अपन एटॉमिक मास पे आते हैं, क्या एटॉमिक मास पे आते हैं, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, क्या होगा, डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डबल, क्योंकि बच्चा इसमें केवल और केवल प्रोटॉन नहीं होता, इसमें बच्चा न्यूट्रॉन भी होता है, क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, तो एक और न्यूट्रॉन को और बढ़ जाता है। और जो अपन देखते हैं एटॉमिक जो मास होता है यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के योग के बराबर होता है, टोटल होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही अपन आगे पढ़ेंगे, अगर ये समझ में तुम्हारे नहीं आया तो आगे अपन को बेस्ट से बेस्ट जब अपन परमाणु क्रमांक का अंदर पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी तुमको केवल और केवल ये ध्यान रखनी है कि किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं मास, तो प्रोटॉन का मास भी एक होता है, ठीक है, इसको अपन हाइड्रोजन एटम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपनी इलेक्ट्रॉन, किसकी बात आती है, अब अपनी इलेक्ट्रॉन की बात आती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, क्या देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे, किसने की थी इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, बताओ थॉमसन, सब जानते हो, ठीक है, जे.जे. थॉमसन ने की थी, इनके नाम क्या रहता है, जे.जे. थॉमसन, जे.जे. थॉमसन ने क्या की थी अपने, ये डिस्कवरी की थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो की, लेकिन अपन देखेंगे इसका चार्ज क्या होता है, इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है इसका चार्ज, नेगेटिव होता है बच्चा, किसका चार्ज नेगेटिव होता है बच्चा, प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपन देखेंगे कितना होता है, नेगेटिव का मतलब तो जानते हो ना, ऋणात्मक, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था ये, अब नेगेटिव में कितना होता है, अभी मैंने जब तुमको प्रोटॉन के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, प्रोटॉन के बारे में बताया था, तो प्रोटॉन के बारे में मैं ये बता रहा था कि इसका जो चार्ज होता है वो 1.66 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, लेकिन अभी अपन बाद में इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे तो उसका नेगेटिव में, तो इतना ही होता है, लेकिन जो उसका चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है, किसमें होता है, नेगेटिव में, तो होता कितना है इसका चार्ज, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज के साथ इसका मास भी आता है, तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है बच्चा, फटाफट कमेंट करो, फटाफट ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे, 9.1 × 10⁻³¹ kg, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है उनसे बहुत ही हल्का होता है, कई गुना हल्का होता है, ठीक है, −31 है। अगर इसको ग्राम में देखें तो बच्चा दोनों याद रखने हैं तुमको, ग्राम में अगर वो पूछे तो क्या कर देना है अपन को, क्या करना है, क्या करना है, माइनस में घट जाएंगे बच्चा, 3000 से गुना कर देना, किससे, अगर वो ग्राम में पूछे तो, ठीक है, −28 हो जाएगा, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, ये इसका मास कितना होगा ग्राम, ये अपन ने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में ले ली। लेकिन इलेक्ट्रॉन और क्या आता है, जितने किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, छोटा सा अपन देखेंगे यहाँ पे, जितने भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं उसमें, प्रोटॉन होते हैं। यानी कि अगर एक प्रोटॉन है तो इसमें क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो सॉरी, न्यूट्रॉन का बात नहीं आ रही इसमें, कह रही है प्रोटॉन और जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो उनकी संख्या क्या होती है, अपनी बराबर होती है। किस कंडीशन में, जब जो अपना एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल यानी कि स्टेबल होगा। तुम सोचते हो सर Na2+, कई बार इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो कब होते हैं, तब अपने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। लेकिन एक स्टेबल कंडीशन में न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। और वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो कभी कभी अपन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, और वो क्या है, अपना परमाणु क्रमांक है, ठीक है। लेकिन अपन कई बार ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। लेकिन ऑथेंटिक क्या होगा, जितने स्टेबल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं, तो दोनों की बराबर बात मान सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक क्या होगा, अभी स्टेबल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दो इलेक्ट्रॉन आ गए या गए, उस कंडीशन में जो मेन थ्योरी है वो प्रोटोनों के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर अपन को डेफिनेशन कोई पूछता है तो क्या बोलनी है अपन को, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि प्रोटोनों की संख्या के बराबर होगा। आई की बच्चे नहीं आई समझ में, मास अपन ने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन का, आवेश पढ़ लिया, खोज किसने की थी, कब की थी, वो अपन ने सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन सर आप मुझे ये बताओ, ये चार्ज का पता कैसे चल गया तुमको कि चार्ज इसका इतना होता है? क्या कहीं तुमको रात को सपना तो नहीं आया है कि सपना आ गया हो कि भाई चार्ज इतना होता है? तो बच्चा मैं तुमको इसके बारे में बताऊंगा। देख छोटा, जो इसका चार्ज है एटम का, क्या एटम का जो चार्ज के बारे में, एटम में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज किसका होता है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का जो चार्ज अपन ने बताया था वो जो चार्ज था कितना बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने अभी बताया था 1.6 × 10⁻¹⁹। इसकी जो खोज हुई थी वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हुई थी बच्चा। किससे हुई थी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, किससे हुई थी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, या हिंदी में बता दूं तुमको मैं, तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग आपने किया था सर? नहीं, मैंने नहीं किया था बच्चा। ये तेल बूंद प्रयोग किया था मिलिकन नामक साइंटिस्ट, किसने किया था, मिलिकन नामक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये तेल बूंद प्रयोग किया। इसमें उन्होंने एक जैसे कि अपना एक ड्रम टाइप में ले लिया छोटा सा, और उसमें क्या ली, ऊपर की साइड एक तेल की बूंद गिराई, और नीचे क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए। फिर नीचे उसने जब तेल की बूंद गिराई तो उसमें से क्या हुआ, एक तरफ से एक्सरे की उस बूंद को आयोनाइज करने के लिए एक्सरे दी, तो उस बूंद को आयोनाइजेशन करके और उसमें से एक आयन निकाला अपने इलेक्ट्रॉन, और उसका अपन ने चार्ज मेजर कर लिया। इसको अपन आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा था। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसका जो चार्ज है, चार्ज कैसे पता चला, मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, तेल बूंद प्रयोग किया, जिससे कि अपन को एटम के किसके बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन चार्ज के बारे में पता चला, ठीक है बच्चा। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में और क्या समझेंगे अपन, यही अपना मेन चीज है। तीसरा आता है अपना बच्चा न्यूट्रॉन रह गया, ये थोड़ा सा बुरा मान रहा था कि सर आपने न्यूट्रॉन तो बताया ही नहीं हमको, है मैं क्या इनका ही बच्चा नहीं हूं, मैं भी तो क्या हूं, इन एटम का ही बच्चा हूं, तो मुझे क्यों नहीं बताया। तो अब अपन देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने, सन 1932 में। कब की थी, सन 1932, ठीक है। या कि नहीं ऐसा बच्चे, एक बात और बताऊंगा मैं, लेकिन लास्ट बताऊंगा तुम्हारे लिए, लास्ट तक बने रहना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली, ठीक है। जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में लगभग, इसने की थी। तो न्यूट्रॉन होता है वो, न्यूट्रॉन अपन को नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल होता है। क्या होता है, यानी कि ना तो ये नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होता। क्या होता है, ना तो ये नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव होगा, ये बराबर का, उदासीन जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन, अगर हिंदी वाले बच्चों के समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है। अगर कोई भी चीज हो, क्वेरी हो, तो फटाफट तुमको कमेंट कर दे। हाँ, और एक बात और मैं तुम सभी को बता रहा हूं कि अगर तुमको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, क्या कि सर ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, इस पे एक स्पेशल वीडियो बननी चाहिए, तो हम तुम्हें उस टॉपिक को इजी से इजी वे लैंग्वेज में तुमको समझाने की कोशिश करेंगे 100%, ठीक है। तो लेकिन लास्ट तक अपन को विश्वास बनाए रखना है हेलिक्स क्लासेस पे, हेलिक्स मेडिकल क्लासेस पे। जिसके साथ विश्वास है ना,
अपन क्या कहते हैं, हमेशा भटक, जो इंसान भटक गया ना वो कहीं का ना रहा। और जिसने एक चीज पे, भगवान क्या कहते हैं, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, पत्थर में भी भगवान आ जाते अगर अपन को विश्वास है तो, और अगर विश्वास नहीं है तो मूर्ति में भी नहीं आते। ठीक है, तो अपन को हमेशा विश्वास बरकरार रखना है। मैं ये नहीं कहता तुम हमारी कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। लेकिन इसके साथ मैं ये कहता हूँ, कहीं आपको धोखा हो नहीं हो, लेकिन इसकी मैं जिम्मेदारी देता हूँ, यहाँ आपको 100% सिलेबस के साथ सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, टाइम टू टाइम टेस्ट, और सिलेबस के साथ साथ आपको एग्जाम का प्रॉपर गाइडेंस एक्सपर्ट के साथ और अलग अलग फैकल्टीज के साथ मिलने वाला है। किसका? अपना जो एग्जाम है उसकी तैयारी, और अलग अलग मैं अपन को वीडियो बना के मैं तुमको समझाता रहूंगा। ठीक है, अब अपन को न्यूट्रल उदासीन होता है इस, तो मतलब इसका चार्ज तो कुछ है ही नहीं, चार्ज तो उदासीन है, लेकिन भाई इसमें मास तो होगा। तो जैसे अपन नहीं कहते ये क्या होता है, इसमें चार्ज है नहीं, तो अपन कभी कभी क्या बोलते हैं, जैसे कि घर वाले किसी की, अपन जो फ्रेंड लोग होते हैं वो कभी कभी बोलते हैं कि यार तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो बोले नहीं है, तो तेरा केवल और केवल जन्म जनसंख्या बढ़ाने के लिए हुआ है, तेरी शादी नहीं हुई, तेरा जन्मदिन क्यों हुआ है, सॉरी जन्म क्यों हुआ है, केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए हुआ। तो ऐसे ही ये जो न्यूट्रॉन है अपना, क्या है, जो न्यूट्रॉन है इसका जन्म केवल और केवल द्रव्यमान बढ़ाने के लिए हुआ है। क्या? द्रव्यमान बढ़ाने के लिए हुआ है, केवल और केवल मास बढ़ाता है ये एटम का, क्या बढ़ाता है, एटम का केवल और केवल, ये केवल और केवल मास बढ़ाता है। मास कैसे बढ़ाएगा, जैसे न्यूट्रॉन है तो इसका नंबर तो एटम का नंबर तो जीरो होगा, उसका कोई उदासीन नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मास इसका क्या होगा, एक होगा। तो अगर किसी भी एटम है, किसी भी पार्ट, जैसे हीलियम है, तो हीलियम में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और दो ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन भी तो होंगे दो, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, प्रोटॉनों के बराबर होगी न्यूक्लियस के अंदर। क्या? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन के बराबर होगी, और इसका मास भी लगभग बराबर होता है। क्या? इनका जो मास है वो भी लगभग बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा सा फर्क है। इसका मास मैं बता दूं तो इसका मास होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है, उसका था अपन ने 6 पढ़ा था प्रोटॉन का। ठीक है, इतना सा ही बस, सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है, तो लगभग अपन इनको बराबर बोल सकते हैं। लेकिन अपन ने क्या कहा, अभी इसका भार तो है, यानी कि इसका जन्म केवल और केवल क्या बढ़ाने के लिए हुआ है, भार बढ़ाने के लिए हुआ है, पृथ्वी पे इसका वजन बढ़ाने के लिए जन्म हुआ है। तो अगर किसी भी एटम है, ये मैं एटम समझा रहा था, एटम में जितना मास क्या होगा एटम का बताओ, एटम का मास होगा न्यूट्रॉन और प्रोटोनों के बराबर, इन दोनों का मास जुड़ के, जबकि नंबर क्या होगा किसी भी एटम का, ये एटॉमिक मास यानी कि परमाणु क्रमा भार सॉरी, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक केवल और केवल प्रोटोनों की संख्या के बराबर होगा, जबकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बराबर मास क्या होगा, इन दोनों के बराबर होगा। ये सारी चीजें आई कि नहीं आई समझ में, अच्छे से क्लियरली विजिबिलिटी है या फिर नहीं है, फटाफट मुझे बताओ, अच्छे से विजिबिलिटी है या फिर नहीं है मुझे बताओगे। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया बच्चा। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि अपन को सर, हमको एक ट्रिक चाहिए सर। यार ये हम जो साइंटिस्ट होते हैं उनका नाम भूल जाते हैं सर बार बार। क्या? साइंटिस्ट जो ये होते हैं इनका हम बार बार नाम भूल जाते हैं। तो बच्चा इन तीनों की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज को तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे। और एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बताता हूं, इस लाइन को तुम याद रखना। क्या लाइन है? ईट पर नाच। क्या लाइन है? ईट पर नाच। ये क्या करेगी सर ईट पर नाच, मतलब कि देखो ई से बनता है अपना, क्या बनता है, और टी से बनता है अपना, क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चा, थॉमसन ने की थी, तो ईट याद रह जाएगा कि नहीं जाएगा। दूसरा बनता है पर, क्या, तो पैसे अपना क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है, क्या बनता है, प्रोटॉन, और आर से बनेगा अपना रदर, क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ये आ गया समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई, नाच, क्या, नाच मेरी रानी, डांस नहीं सुना तुमने, गाना सुना ही नहीं सुना, तो नाच याद रह जाएगा। तो देखो नेते क्या बनेगा अपना, न्यूट्रॉन, कैसे क्या बनेगा अपना, चैडविक साहब,
जिंदगी में तो नहीं भूलेंगे, ईंट पर नाच, ईंट पे नाचना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कैसे अपन को क्या रखना है, ट्रिक से अपन को याद रखने ये सारी चीजें। एक ट्रिक बताता हूं मैं, जो इनके खोजकर्ता थे ना, जो थॉमसन थे वो रदरफोर्ड के गुरु थे, और जो चैडविक थे वो किसके गुरु थे बताओ, रदरफोर्ड, उनके गुरु थे चैडविक के, ठीक है। तो ये आपस में ये पीढ़ी चलाती आ रही है, थॉमसन। एक चीज और बताता हूं तुमको, बहुत बेस्ट ट्रिक, थॉमसन ने के चेले कौन थे, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के चेले कौन थे, चैडविक, कौन थे, चैडविक। इसने क्या की, इसने खोज की अपने इलेक्ट्रॉन की, सन 1897 इसने किसकी कर दी, प्रोटॉन की खोज कर दी बच्चा, कब, 1909 में। इसने किसकी कर दी, न्यूट्रॉन की खोज कर दी, कब, लगभग 1930। ये भी तुमको याद रखना, क्या इससे तुमको वैसे ये चीजें तुमको कोई नहीं बताएगा, क्या इसके गुरु थे चेले थे, क्या यार आपने पहले भी सुनी है बात, नहीं सुनी तो इसी बात पे तुम इस वीडियो को लाइक भी तुमको करना है, ठीक है। तो बच्चा अब देरी तुमको नहीं करनी है, ये मैंने आज तुमको बेसिक पढ़ाया, किसका, जो अपना एटम है उस एटम का मैंने तुमको आज बेसिक पढ़ा दिया, इससे बेस्ट बेसिक शायद ही कोई पढ़ाएगा, हाँ लेकिन पढ़ा देगा, लेकिन याद रखने की कोई ट्रिक शायद ही बताएगा, और अगर बताता है अपन को बेस्ट से बेस्ट कहीं से भी मिले, अपन को सीखने की जिसके अंदर कैपेसिटी है ना बच्चा, वो कभी भी असफल बच्चा नहीं हो सकता। तो अपन को फटाफट से जो बैच है ज्वाइन कर लेना है, और अपनी जो फीस की क्वेरी है, या फिर कोई भी कब से बैच स्टार्ट है, इसके बाद भी और बैच स्टार्ट होंगे, यानी अगर कोई भी क्वेरी है तो अपन को फटाफट से, जो अपन नीली पीली पट्टी दिख रही है उस पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर फटाफट कॉन्टेक्ट करके तुम किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। इसी के साथ सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और लगातार बने रहने के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी बोलते हैं यार कि भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, अगर तुम मेहनत करते हो ना तो मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी वापस लौटा के ला सकती है, और टाइम को अब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट नहीं है। अगर ये अभी तुम्हारे पास वीडियो पहुंच गई है तो फटाफट से जानकारी लेके और कोचिंग ज्वाइन करें, किसी भी पैरामेडिकल, ये मेडिकल फील्ड बच्चा ऐसी है जिसमें तुम कभी भी बेरोजगार नहीं करोगे। तो मेरी तो पर्सनल राय तुमसे ये है कि अपन को कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करके फटाफट से मेडिकल, कहीं भी तुमको किसी भी स्टेट में अगर पैरा, हर जगह बच्चा 15% सीट तो तुमको, अगर अदर स्टेट से तुम भरोगे ना तो 15% सीट तो तुम्हारे लिए सीट सॉरी अवेलेबल रहती है, रिजर्व रहती है। तो किसी भी स्टेट से भर देना, अपन को सिलेक्शन लेना है। गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हारी जीरो फीस लगती है, नाम मात्र शुल्क लगता है, उसमें दिक्कत कहाँ है बताओ। अगर यहाँ अपन थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अपन को आगे जाके बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, नर्सिंग ऑफिसर तक, फिर मेडिकल एमएससी कर लेना नर्सिंग के बाद, तो अपन एमएससी के बाद पीएचडी कर देना। लेकिन अगर आप इनसे जुड़ोगे तो आपको टाइम टू टाइम सारी गाइडेंस, फॉर्म से लेकर के और सिलेक्शन तक हम तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।